जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। Thank you.
वो खुद मुझसे किताब के बारे में पूछ रही थी, समझी? जी नहीं, तुम ही उससे दोस्ती बढ़ाना चाह रहे थे। तुमने खुद मुझे उससे मिलवाया था। हाँ, लेकिन जब उसका कत्ल हुआ तब तुम पार्टी में नहीं थे। मैं वहीं था। लिसन, और अगर मैं वहां नहीं भी था तब भी तुम्हें ये सब किसी से कहने की जरूरत नहीं, समझी? ले जाइए आप। सर आप कुछ खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ऐसे वेरी सॉरी जी, आपकी पत्नी का खून हुआ हमारे होटल में, बहुत बुरा हुआ सर। लेकिन इससे हमारे होटल का नाम भी तो सर। जी हाँ, मैं जानता हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। लेकिन सर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें सर, हम खूनी का पता जरूर लगवा कर देंगे सर। देखिए आप लोग यहाँ से निकल जाइए प्लीज, आप लोग भी क्या देख रहे हैं तमाशा। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, सॉरी, थैंक यू। Doggy, hello, where did you come from? Come to me, so sweet, woo woo woo. Woo. My. ये हमारा है। हमारा नहीं है, इनका है, कुत्ता कहीं का। हाँ? बड़ा प्यारा कुत्ता है। अपने मालिक पर गया है। Let me introduce myself. I'm Sam. Sam Disilva. बड़ा प्यारा नाम है। और ये मेरा असिस्टेंट गोपीचंद। Pleased to meet you. गोपीचंद। अगर मेरे डॉगी ने आपको तकलीफ दी तो सैम उसके लिए माफी मांगता है। No trouble. चले तो यार, डॉगी ने तकलीफ दी है, माफी नहीं मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी मैडम। चले अभी चले यार। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं छुट्टी मना रही हूँ। छुट्टी? हाँ। होटल में? हाँ। कितने दिनों से? दो दिन से। कल आप यहीं थी? हाँ। सुना यहाँ एक मर्डर हो गया। हाँ, मेरी फ्रेंड का। आपकी फ्रेंड? हाँ। दरअसल हम जासूस हैं। हाँ, फैसिनेटिंग। हम लोग बड़े फैसिनेटिंग लोग हैं, फैसिनेटिंग काम करते हैं, फैसिनेटिंग लोगों से मिलते हैं, फैसिनेटिंग बातें करते हैं। आप क्या करती हैं? मैं नॉवेल्स लिखती हूँ। नॉवेल्स? जासूसी नॉवेल्स। अंग्रेजी में? हाँ। कौन सी? मार्बल मैन। आपका नाम? कविता देशपांडे। कविता देशपांडे। यह मैंने आपकी तीनों नॉवेल्स पढ़ी हैं। यस 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 यस। वो वुमन विद द हैट। यस। और मार्बल मैन, मार्बल मैन, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि खूनी कौन है। थैंक यू। एक बात कहूं, ये चश्मा आपको बहुत सूट करता है। थैंक यू। इसे पहन लीजिए। चले। एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? गोपी, इन्हें समझाओ, ही इज आउट ऑफ ट्यून। इंस्पेक्टर भिंडे, तो आप हैं इस केस की तहकीकात पर? जी हाँ। हमें यहाँ के मैनेजर मल्होत्रा ने बुलवाया है इस केस की तहकीकात के लिए। मिस्टर मल्होत्रा? जी। आपने इन्हें बुलवाया यहाँ? जी हाँ सर, सॉरी जी, बट क्या है कि वो प्राइवेट होटल में मर्डर हुआ है, इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव भी। सॉरी जी। मिस्टर डिसिल्वा, प्लीज। मुझे बुलाया? मुझे आपको, बुलाया आपको। सी यू अगेन। सी यू लेटर। मुलाकात होगी तुमसे। जी ओ इंस्पेक्टर भिंडे। जी हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब बहेगा खून जिगर तो क्या हम ना आएंगे उधर? वाह, क्या काफिया मिला है, अच्छा है। काफिया तो मिला है, हाथ भी मिलाइए। इंस्पेक्टर भिंडे, कुछ प्राइवेट बातें करनी है आपसे। हाँ जी, कहिए। मैनेजर साहब, आप भी आइए। मुझे तो अभी तक शॉक लगा हुआ है, वो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने
वो मेरी आंखों के सामने। क्या? मेरी आंखों के सामने। क्या? देखिए मैडम, हम आपकी मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं, लेकिन आप मरने वाली यानी कि अंजलि राव के अंतिम क्षणों के बारे में कुछ, मतलब कुछ बता सकेंगी कि क्या हुआ था? मुझे तो इतना शौक लगा जी, सडनली उसने आंखें खोली। अच्छा। मेरी तरफ देखा। अच्छा। मेरी तो शौक से डेथ हो गई जी। फिर उसने कुछ कहा। क्या कहा? क्या कहा? It was horrible. उसने कहा, कंच 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 कंच, और फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद सॉरी जी, इट वाज हॉरिबल। मुझे तो अभी तक शॉक लगा हुआ है जी। मुझे तो अभी तक शॉक लगा हुआ है जी। गोपी, मैनेजर साहब। यस प्लीज। अपने होटल का रजिस्टर मंगवाइए। सॉरी जी, आपको किसी पर शक है? मंगवाइए जी। गोपी, क्या बात है, कोई कंचन मिल गई क्या? हाँ, एग्जैक्टली। मरते वक्त क्या कहा था अंजलि राव ने? कहा था कंच कंच। मुझे शक है, नहीं यकीन है मुझे कि वो कंचन कहना चाहती थी, यानी कि कंचन नाम की कातिल। दिस इज एन ओपन शट केस। ये रहा कंचन चौधरी 303। गोपी, योर गोपी। मिसेज कंचन चौधरी। यस प्लीज। क्या हम अंदर आ सकते हैं? देखिए, हम प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम्स, हम बाहर से ही तहकीकात कर लेंगे। मिसेज कंचन चौधरी, आप कल 12 और 12:30 के बीच में कहाँ थी? जी, मैं नीचे डांस कर रही थी। आप नीचे डांस कर रही थी? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, आप डांस नहीं कर रही थी। व्हाट डू यू मीन? 12 और 12:30 के बीच में आप ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पर आई, लिफ्ट से। आपने अंजलि राव का कमरा खटखटाया, अंजलि राव ने दरवाजा खोला, चाकू आपके हाथ में था, और आपने कत्ल कर दिया। क्यों मिसेस चौधरी, आपने कत्ल क्यों किया? बताइए, किस लिए? क्यों किया आपने ये कत्ल? मुझे बताइए, किस लिए हुआ ये कत्ल? ये कौन शोर मचा रहा है? देखो ना दादी माँ, ये क्या कह रहे हैं? कौन है? प्राइवेट डिटेक्टिव गोपी चंद। हेलो, इनकी तारीफ? ये मेरी दादी माँ, मिसेस कंचन चौधरी। तो मिसेस कंचन चौधरी, कंचन चौधरी, कंचन चौधरी, कंचन चौ, कंचन सैम डिसल्वा मेरे सीनियर पार्टनर, ये तहकीकात करते हैं। दरअसल दादी माँ, ये लोग कहते हैं कल राजू खून हुआ है ना, वो मैंने किया है। क्या कल वो है? ये मेरी फूल जैसी बच्ची तुझे खूनी दिखती है? नो नो मैडम, मेरा ये जूनियर पार्टनर दरअसल ये कहना चाहता है कि कल जो खून हुआ वो आपने नहीं बल्कि आपने किया। क्या अंधा है तू? तू अंधा है? एग्जैक्टली। मैं जो व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती, मैं खून कर सकती हूँ? बिल्कुल गधा है मैडम। Very sorry, Mrs. Kanchan Chaudhary. Sam, माफी मांगता है. Sorry. माफी मांगता है. Gopi.
नहीं 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 सही सही कहती थी वो औरत, गधा हूँ एकदम गधा, एकदम गधा, उल्लू हूँ, एक 70 साल की बुढ़िया और कातिल। गोपी, तुम खूनी की उम्र देख रहे हो और मुझे मकसद की तलाश है। लेकिन जो औरत 70 साल की बुढ़िया हो, व्हीलचेयर से खड़ी भी ना हो सकती हो, व्हीलचेयर से अगर वो उठ नहीं सकती तो फिर चलने की छड़ी उसके कमरे में क्या कर रही है? हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है मिस्टर ब्राउन। न्यू ईयर ईव और इस तरह आपकी वाइफ का मर्डर, प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस। अचानक ये मेरी पूरी जिंदगी तबाह, ट्रेजेडी। हमें आपके साथ पूरी हमदर्दी है, हम आपका दुख समझ सकते हैं। आपकी तारीफ पूछ रहे हैं। मैं इनकी बहन हूं। तो आप भी इनके साथ आई थी? नहीं, मैं अपने पति के साथ यहां आई हूं। मिस्टर राव, आपको किसी पे शक या शुबा? किस पे हो सकता है? कल तो यहाँ पार्टी चल रही थी, न्यू ईयर पार्टी, डांसिंग, उसमें आपकी वाइफ का कोई फ्रेंड था? फ्रेंड मतलब है कि उनका किसी से मिलना जुलना जो कि आपको अच्छा ना लगता हो? जी नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं थी। विजय, दीदी क्या चाहती हैं? विजय, दीदी मैं बार बार वो बात बोलने जा रहा हूँ, इसे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। श्योरली श्योरली, लेकिन आप लोग इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोग कातिल को पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि कातिल पकड़ा जाए या नहीं। जरूर। मैडम, कल रात जब ये पार्टी चल रही थी न्यू ईयर ईव की और ये हादसा हो गया, मर्डर, उस वक्त आप कहाँ थी? पार्टी हॉल में, और कहाँ हो सकती हूँ? कोई गवाह? कहना क्या चाहते हैं आप? आप कहना क्या चाहते? वो पूछ रहे हैं, यू नो, रूटीन चेक, तहकीकात। वैसे इस पार्टी में आने का आइडिया किसका था? विजय ने 4 टिकटें खरीदी थी, 2 मुझे भेज दी। दीदी, टिकटें मैंने नहीं भेजी, टिकटें आप क्या चाहिए आप कह रही? विजय ने, विजय तेरे घर से टिकटें आई है। देखिए, मेरे घर से टिकटें नहीं आई है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं तुम्हें कहती हूं टिकटें तेरे घर से आई है। नहीं, टिकटें मेरे घर से नहीं आई। मिस्टर राव, नो प्रॉब्लम, माय कंडोलेंसेस वंस अगेन, गुड बाय मैडम। गोपीजन, लेट्स गो। इंस्पेक्टर भिंडे, लेट्स गो सर। बहुत तकलीफ थी इन लोगों को, सैम माफी मांगता है। माय अपोलॉजीज सर।